तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10,000 से नीचे ऑनलाइन में आपको क्या कुछ फ़ोन मिल रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में तो और भी बहुत सारे कंपनी होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको क्या कुछ फ़ोन 10,000 के नीचे मिल रहा है जो कि अच्छे हैं। कोई कैमरा में अच्छा हो सकता है, कोई बैटरी में हो सकता है, कोई ओवरऑल भी अच्छा हो सकता है, गेमिंग के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो सब मिला के हम देखेंगे क्या कुछ फ़ोन आपके लिए ऑनलाइन में मिलता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर से दबा देना। तो 10,000 से नीचे फोन में सबसे पहला जो लिस्ट है ड्यूली लॉन्च हुआ है रियलमी 5। जी हाँ, और जितने भी फ़ोन हैं लगभग ज़्यादातर फ़ोन आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, उसका रिव्यू, फुल रिव्यू, गेमिंग रिव्यू वगैरह वगैरह मिल जाएंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो जैसे कि बताया रियलमी 5, और इसमें आपको चार कैमरे पीछे की तरफ मिल जाते हैं। स्क्रीन बहुत ही बड़ा स्क्रीन 6.5 इंच का, यहाँ पे आपको HD प्लस वाला स्क्रीन मिल जाता है नॉच के साथ। फुल HD नहीं, HD प्लस का स्क्रीन है। क्वालकॉम का 665 एक अच्छा प्रोसेसर है, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। 5,000 का बैटरी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कम्प्लीट पैकेज है 3GB 32GB वाला, आपको 10,000 से नीचे मिल जाएगा। अगर आपको 4GB चाहिए तो 10,000 से ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद की जो फ़ोन है वो भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है, वो है रेडमी नोट 7S। जी हाँ, 48MP कैमरे के साथ आता है और 660 के फुल वर्जन में आता है। जी हाँ, 665 रियलमी 5 में मिलता है, लेकिन ये थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था और इसमें आपको 660 प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी रियलमी 5 से मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ग्लास बॉडी के साथ आता है। फ्रंट एंड बैक दोनों में आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ की बात करें तो 6.2 इंच का यहाँ पे आपको, और ये अकेला इस 10,000 के नीचे अकेला ही फ़ोन है जिसमें कि आपको, जो मैं बताऊंगा, सिर्फ एक ही फ़ोन है जिसमें कि आपको फुल HD प्लस वाला रेजोल्यूशन मिलता है। जी हाँ, FHD प्लस यानी 1080p वाला डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। Type-C पोर्ट देखने को मिलता है। 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छा फ़ोन है, और इसका भी 3GB 32GB वर्जन आपको 10,000 से नीचे मिल जाए, यानी कि 9999 में मिल जाएगा। अगले फ़ोन की बात करते हो, ये सिर्फ सैमसंग लवर के लिए है। जी हाँ, जिनको सैमसंग का फ़ोन ही लेना है तो वो ले सकते हैं इसको। ये है सैमसंग का M10। कीमत है इसका 7990, यानी कि 8,000 रुपये में ये आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ये सिर्फ सैमसंग के लिए, यानी कि जो लोग सैमसंग ही खरीदना पसंद करते हैं उनके लिए है, और इसमें आपको 3GB 32GB का रैम भी देखने को मिल जाता है। अगले फ़ोन की बात करते तो ये है रियलमी की तरफ से, और रियलमी की आजकल इसी बजट में बहुत सारे फ़ोन हैं रेडमी और रियलमी के, लेकिन रियलमी के कुछ ज़्यादा ही फ़ोन हो गए। तो ये थोड़ा पुराना फ़ोन है लेकिन बहुत ही अच्छा फ़ोन है ये, और क्यों है वो भी बता दूंगा। तो ये है रियलमी का U1, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा सेल्फी कैमरा मिल जाता है। जी हाँ, 25MP का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हीलियो P70 का प्रोसेसर मिल जाता है। जी हाँ, मीडिया टेक का हीलियो का P70 प्रोसेसर, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर माना जाता है मीडिया टेक का तरफ से। 3GB रैम 32GB की स्टोरेज के साथ ही आता है। इसका कीमत है 9,000 रुपीज़। जी हाँ, अगर 4GB वेरियंट खरीदने के तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, 10,000 से ऊपर जाएगा ये। लेकिन आपको अगर 3GB 32GB सफिशेंट है, काम चल जाता है, तो ये आराम से खरीद सकते हैं 9,000 रुपये में। और आखिर में बात करते हैं और एक रियलमी की फ़ोन की। जी हाँ, और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है इस प्राइस रेंज में, क्यों लगता है वो भी बात करेंगे। तो ये है रियलमी का 3i, और इसका भी वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपको। इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी मिल जाता है। 6.1 इंच का यहाँ पे आपको HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे फुल HD नहीं मिलता, लेकिन HD प्लस का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ दो कैमरे मिल जाते हैं। जी हाँ, और सामने तरफ सिंगल कैमरा मिल जाता है। तो ये सब देखने को मिलता है। 3GB 32GB वाला वेरियंट है 8,000 रुपये में। और क्यों अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो मिलता है P60 प्रोसेसर मिलता है। जी हाँ, हीलो का P60 प्रोसेसर, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। और ध्यान रखिए कि जो रियलमी का 5 अभी लॉन्च हुआ है उसमें आपको चार कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन जो प्रोसेसर है वहाँ पे आप HD गेमिंग नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर PUBG की बात करें तो HD में चलता नहीं, बैलेंस ऑफ स्मूथ में चलता है। लेकिन ये जो फ़ोन है रियलमी का 3i, यहाँ पे आप HD में भी गेम खेल सकते हैं, और ओवरऑल बहुत ही गुड क्वालिटी का ये प्रोसेसर के साथ आता है। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप 3GB 32GB वाला वेरियंट कुछ फ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो मुझे जो लगता है 8,000 में सबसे अच्छा ये है। और उसके ऊपर जाएंगे तो बोल सकते हैं रियलमी U1 है। लेकिन अगर आप 8,000 के बजट, या फिर 7,000 है, 7,000 थोड़ा 1,000 मिला देंगे तो 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 सबसे बेस्ट जो फ़ोन है ये है रियलमी का 3i। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि 10,000 के नीचे क्या कुछ फ़ोन आपको ऑनलाइन में देखने को मिल रहा है। और ये फ़ोन के प्राइजेस थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं, अगर आप ऑफ़र वगैरह डालेंगे कहीं पे, कुछ कार्ड पे ऑफ़र चलता रहता है तो वो कर सकते हैं, तो 500-600 रुपये भी कम हो सकता है। अभी के लिए ये सितंबर महीना 2019 का चल रहा है, तो अभी टाइम में अगर आप ये वीडियो देख रहे तो ये प्राइस है, और शायद आगे आप देख रहे तो शायद से प्राइस डाउन भी हो सकता है।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे टेक्की पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।